38 देखिए क्या कह रहा है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू में ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू में बी, प्रूव डेट, हमको इनको प्रूव करना है। तो हम लोग देखो कई तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा इक्वल टू में ए, कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा इक्वल टू में दिया हुआ है आपके पास बी, है ना जी, यहाँ पे ये दिया है। तो हम लोग यहाँ पे या तो स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके बना सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि इसका फॉर्मूला लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी वाला और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, नए तरीके से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ जाएगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू में बी। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हो गया, और वाई में टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू में ए बाई बी। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू में ए बाई बी, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू में ए बाई बी। अब देखिए हमें फर्स्ट में क्या कर रहा है, निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम लोग बात करें तो आप फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा का टेन के फॉर्म में, टू टेन थीटा बाई टू बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा टू टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई में टू। चलिए अब देखिए क्या होता है, हो जाएगा टू ए बाई बी बाई में वन प्लस का ए बाई बी का स्क्वायर, टू ए बाई बी बाई में वन प्लस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, टू ए बाई में बी बाई में नीचे एलसीएम होगा बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक बी से एक बी कट जाएगा, ऊपर जाके गुणा करेगा, तो हो जाएगा टू ए बी बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही ना मैं प्रूव करना था, हमारा आर एच एस आ गया। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते, इसका